हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मसाला छाछ की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही इजी है और ये तुरंत बनकर बिल्कुल रेडी हो जाती है, जिसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। तो ये रेसिपी को बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मसाला छाछ को बनाने के लिए हमें लेने होंगे 200 ग्राम दही, एक हरी मिर्च और अदरक के टुकड़े, बारीक कटी हुई धनिया के पत्ते, हाफ टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर और 4 आइस क्यूब्स। छाछ बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्लेंडिंग जार लेंगे और इसमें पहले धनिया पत्ता डाल देंगे, अब एक हरी मिर्च और अदरक के टुकड़े इसमें डाल देंगे। अब ये तीनों को हम थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंड कर लेंगे। इसे कवर करके ब्लेंड कर लेते हैं। हमें इसका एकदम स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही पीसना है। तो ये देखिए, ये तीनों पीस गई है, दरदरा ही पीसा है मैंने। अब हम इसमें ये दही डाल देंगे। और इसे भी ब्लेंड कर देंगे, कवर कर देते हैं। ये देखिए, इसे ओपन करते हैं, दही अच्छे से मिल गई है, अच्छे से फिट गई है। तो इसे हम एक बर्तन में डाल देंगे। अभी ये छाछ बहुत गाढ़ी है, तो हम इसमें पानी मिलाएंगे। मैंने यहाँ पे बस आधा ग्लास लगभग पानी डाला है, क्योंकि हमें छाछ थोड़ी गाढ़ी ही पसंद है। आप चाहें तो इसमें और पानी डाल सकते हैं, 1-2 ग्लास, अगर आपको छाछ थोड़ी पतली पसंद है तो। इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून। अब काला नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, आप चाहें तो इसके जगह पे नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं, बट इसे डालने से ये छाछ का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम लास्ट में काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून, और फिर इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले को छाछ में अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये हमारा छाछ अब तैयार हो गया है, तो इसे हम ग्लास में डाल देंगे सर्व करने के लिए। अब हम इसमें आइस क्यूब्स डाल देंगे, 2-2 आइस क्यूब्स दोनों में डाल देते हैं। अब भुना हुआ जीरा इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे, ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। तो ये हमारा मसाला छाछ बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं और इस समर में अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।